क्या आगे का एजेंडा रहेगा भाजपा में? अब फिर यहाँ से जाने के बाद हम लोग बैठेंगे, फिर रणनीति तय करेंगे, समझे ना, कैसे यहाँ के लोग बचेंगे, कैसे यहाँ का आदिवासी मूलवासी बचेंगे, यहाँ घुसपैठी से कैसे बचेंगे, ये सारा चीज़ है। यहाँ जल जगह जमीन पे लोगों का कैसे अधिकार बढ़ेगा, वो सारा बैठ करके रणनीति तय करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपने एक कहा जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आपने चर्चा की, इससे पहले आपने कभी नहीं किया था, एकाएक लोग सवाल कर रहे हैं। एकाएक के लिए बात नहीं है यार, जब देखिए सुनी सुनाई ही बात वो अलग आ रही है, अपने से देखा हुआ चीज़ वो अलग है, मैंने खुद आ जाकर के अपना क्षेत्र में इसको जाकर देखा है, तो इसलिए फिर इसको उठाना शुरू कर दिए हैं। आगे के मुद्दे क्या रहेंगे? वही तो बोले ना, अभी रणनीति तय करेंगे, इसके बाद फिर होगा। ठीक है, अरे सारे लोग नाराज चल रहे हैं यार, आप लोग को नहीं पता चल रहा है, झारखंड के दिमाग में सारे लोग नाराज चल रहे हैं कुछ लोगों के चलते, समझे ना, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा वो झारखंड नहीं रह गया। आप तो इस वजह से आपने छोड़ा है प्रवीण हेमराम, अब भगवत क्या आगे का एजेंडा रहेगा भाजपा में? अब फिर यहाँ से जाने के बाद हम लोग बैठेंगे, फिर रणनीति तय करेंगे, समझे ना, कैसे यहाँ के लोग बचेंगे, कैसे यहाँ का आदिवासी मूलवासी बचेंगे, यहाँ घुसपैठी से कैसे बचेंगे, ये सारा चीज़ है। यहाँ जल जगह जमीन पे लोगों का कैसे अधिकार बढ़ेगा, वो सारा बैठ करके रणनीति तय करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपने एक कहा जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आपने चर्चा की, इससे पहले आपने कभी नहीं किया था, एकाएक लोग सवाल कर रहे हैं। एकाएक के लिए बात नहीं है यार, जब देखिए सुनी सुनाई ही बात वो अलग आ रही है, अपने से देखा हुआ चीज़ वो अलग है, मैंने खुद आ जाकर के अपना क्षेत्र में इसको जाकर देखा है, तो इसलिए फिर इसको उठाना शुरू कर दिए हैं। आगे के मुद्दे क्या रहेंगे? वही तो बोले ना, अभी रणनीति तय करेंगे, इसके बाद फिर होगा। ठीक है, अरे सारे लोग नाराज चल रहे हैं यार, आप लोग को नहीं पता चल रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में सारे लोग नाराज चल रहे हैं कुछ लोगों के चलते, समझे ना, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा वो झारखंड नहीं रह गया। आप तो इस वजह से आपने छोड़ा है प्रवीण हेमराम, अब भगवत क्या आगे का एजेंडा रहेगा भाजपा में? अब फिर यहाँ से जाने के बाद हम लोग बैठेंगे, फिर रणनीति तय करेंगे, समझे ना, कैसे यहाँ के लोग बचेंगे, कैसे यहाँ का आदिवासी मूलवासी बचेंगे, यहाँ घुसपैठी से कैसे बचेंगे, ये सारा चीज़ है। यहाँ जल जगह जमीन पे लोगों का कैसे अधिकार बढ़ेगा, वो सारा बैठ करके रणनीति तय करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपने एक कहा जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आपने चर्चा की, इससे पहले आपने कभी नहीं किया था, एकाएक लोग सवाल कर रहे हैं। एकाएक के लिए बात नहीं है यार, जब देखिए सुनी सुनाई ही बात वो अलग आ रही है, अपने से देखा हुआ चीज़ वो अलग है, मैंने खुद आ जाकर के अपना क्षेत्र में इसको जाकर देखा है, तो इसलिए फिर इसको उठाना शुरू कर दिए हैं। आगे के मुद्दे क्या रहेंगे? वही तो बोले ना, अभी रणनीति तय करेंगे, इसके बाद फिर होगा। ठीक है, अरे सारे लोग नाराज चल रहे हैं यार, आप लोग को नहीं पता चल रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में सारे लोग नाराज चल रहे हैं कुछ लोगों के चलते, समझे ना, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा वो झारखंड नहीं रह गया। तो इस वजह से आपने छोड़ा है प्रवीण हेमराम, अब भगवत।